नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता। आपका अपने YouTube चैनल धांसू फंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। 29 फरवरी 2020 को कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की उपस्थिति में अमेरिका के वार्ताकार और मध्यस्थ जलमिया खलीलजाद और तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच शांति समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस कार्यक्रम में भारत को भी निमंत्रण मिला था। कतर में भारत के राजदूत पी कुमारन ने इसमें शिरकत भी की। दोहा के शानदार शेरेटन होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन था। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही पूरा हाल अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। यह तालिबानी फतह का नारा था। नारे के शोर में माइक पोम्पियो और अन्य पश्चिमी प्रतिनिधियों के चेहरे उतर गए। पूरी दुनिया सनसन है। सितंबर 1996 के बाद के 5 सालों का क्रूर इस्लामिक तालिबानी शासन सबों के आंखों में ताजा हो गया। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा वापस आने का भय व्याप्त है। दिसंबर 2001 में तालिबान के शासन के खात्मे के बाद हामिद करजई के नेतृत्व में बनी गठबंधन की सरकार ने पूरे अफगानिस्तान का माहौल बदल दिया था। अफगानी महिला भी घरों से बाहर निकलकर देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी वायदे कि अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाएंगे, उनको निभाने की गरज से चुनाव के ऐन पहले जल्दबाजी में इस समझौते को अंजाम दिया गया है। इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा तो दांव पर लगी गई है, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका जिस मकसद से यहाँ पे आया था, यानी कि अलकायदा के खात्मे के लिए, वो मकसद पूरा हो चुका है, तो उसके यहाँ रुकने का कोई भी औचित्य नहीं था। इस समझौते के दो हिस्से हैं, जिसके पहले हिस्से में 14 महीने के अंदर अमेरिका को अपनी पूरी सेना वापस करनी है, जिसकी शुरुआत 2 से 3 हफ्तों में 4,600 सैनिकों की वापसी कर सैनिकों की संख्या को 8,600 तक लाना है। इस समझौते के दूसरे हिस्से में अशरफ गनी की मौजूदा सरकार और तालिबान के बीच नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इंट्रा अफगान डायलॉग होने हैं, जो कि अमेरिका की सैनिकों की पूर्ण वापसी के बाद होंगे। इस डायलॉग प्रोसेस में दोनों धड़े मिलकर अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार की रूपरेखा तय करेंगे। यही सबसे पेचीदा मामला है, क्योंकि तालिबान घोषित रूप से लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, बल्कि मध्ययुगीन इस्लामिक तौर तरीकों से खलीफा और शरीयत का निजाम लागू करने में यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की तो बाछें ही खिल गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन का भारी भरकम निवेश कर वहां फंस गया है, और वह तालिबान मुजाहिदीन के भरोसे कश्मीर में फिर से प्रॉक्सी वार कर जिहाद शुरू कर सकता है। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी ने भारत को अगर एक महाशक्ति बनना है तो अमेरिका जाए तो जाए, अफगानिस्तान को हर हाल में आर्थिक और सैन्य मदद देनी होगी। तालिबान से किसी भी तरह की बातचीत उसे वैधानिकता देने के बराबर होगी, और यह एक आत्मघाती कदम साबित होगा। अभी अमेरिका के सैनिकों की पूर्ण वापसी में 14 महीने का वक्त है, और यही वक्त बचा है भारत सरकार के पास रोड मैप तैयार करने को। पाकिस्तान भी इन्हीं 14 महीनों में तालिबान को सैन्य रूप से मजबूत करेगा, ताकि इंट्रा अफगान डायलॉग में तालिबान का पलड़ा भारी हो सके। अब वक्त आ गया है भारत के एक्टिव रोल निभाने का। इस्लामिक आतंकवाद के इस सांड को सिंह से पकड़कर पटकना होगा। भारत अफगानिस्तान में लॉजिकल सपोर्ट के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करता है। ईरान की सरकार भी तालिबान विरोधी है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर दोनों देशों को मिलकर साझा रणनीति बनानी होगी। पाकिस्तानी मीडिया ने तो अभी से ही भारत के अफगानिस्तान में होने वाली दुर्गत पर कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। यह 1996 के तालिबान शासन वाला भारत नहीं है। इस समस्या के हल के लिए एक ऐसा तुर्क का पत्ता है, जिसे चलने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में लगभग सहमति बन गई है। इस समस्या का हल है वखान कॉरिडोर, जो कि जम्मू कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान से 106 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़ा है। पश्चिम में पामीर और पूर्व में काराकोरम के बीच में स्थित 350 किलोमीटर लंबा और 5 से 35 किलोमीटर चौड़ा यह गलियारा है। एक अजीब बात है, भारत गिलगित और बल्टिस्तान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन गृह मंत्रालय के दस्तावेज में अफगानिस्तान उसका पड़ोसी नहीं है। इस विरोधाभास को संसद द्वारा दूर कर भारत अफगानिस्तान को अपना पड़ोसी घोषित करेगा। उसका अगला कदम गिलगित और बल्टिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर उस पर नियंत्रण करना होगा। इस कदम से भारत अफगानिस्तान का डिफैक्टो यानी हकीकी पड़ोसी बन जाएगा। चाबहार और गिलगित और बल्टिस्तान में भारत की मजबूत उपस्थिति तालिबान और पाकिस्तान के उत्पाद पर काबू कर भारत के हितों की रक्षा करेगी। अफगानिस्तान के पास भी 2.5 से 3 लाख की प्रशिक्षित सेना है, जो कि तालिबान को कड़ी टक्कर देती रहती है, और भारत इसे हमेशा प्रशिक्षित करता रहता है। अमेरिकी रणनीति का दुनिया में कोई सानी नहीं। अफगानिस्तान से निकलने से पहले ही वह तालिबान और पाकिस्तान दोनों सांपों के विष वाले दांत को तोड़ने का उपाय कर चुका है। दुनिया अभी मोदी को अफगानिस्तान के चक्रव्यूह में घिरा हुआ देख रही है। जरा धीरज धरिए, मोदी की चाणक्य नीति इस चक्रव्यूह की धज्जियां उड़ा देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।